एक्स की याद आती है। अरे तुमको पहले नहीं समझा क्या? मुझे मेरे एक्स की याद आती है बस। तो तुमको पहले नहीं समझा क्या? अभी आके मुझको क्या मालूम कि अभी ये स्टेज पे बोलने। तो है दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए प्रैंक के साथ और आज मैं प्रैंक करने वाला हूँ वापस से रश्मिता के ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सजेस्ट किया कि पवन भाई रश्मिता के ऊपर प्रैंक करो। तो मेरी सिस्टर थोड़ा रश्मिता के साथ बाहर गई है, मतलब जो हमारा बाबू है थोड़ा निमित, वो थोड़ा बीमार था तो इस वजह से उसको हॉस्पिटल लेके आए हैं। और अभी मैंने सोचा क्या करूं, तो मैं सोचा क्यों ना एक प्रैंक कर देता हूं जो आप लोगों ने सजेस्ट किया था। तो इसी तरह आप लोग सजेस्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मिल सकती है, और जो भी आप लोग चाहते हो कि मैं रश्मिता के साथ प्रैंक करूं आप लोग नीचे सजेस्ट कर सकते हो। आज का प्रैंक मैं ऐसे करने वाला हूं कि मुझे मेरी एक्स की याद आ रही है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मैं तेरे को कितनी बार बोला था, तो उसका रिएक्शन देखने में बहुत मजा आने वाला है। और कोशिश यही करूंगा कि जितना हो सके नेचुरल रखूं, मेरे को हंसी ना आए। देखो ऐसा भी है कि उसको समझ में मतलब आ भी सकता है कि मैं प्रैंक कर रहा हूं, लेकिन वो है ना थोड़ा इमोशनल हो जाती है तो शायद वो ना समझे, लेकिन जो भी होगा जैसा होगा आप लोग को मैं दिखाता रहता हूँ। उसको कॉल किया है, वो आती होगी, तो अभी उसके ऊपर करते हैं प्रैंक। आप लोग इसी तरह प्यार करते रहो, इसी तरह आप लोग सजेस्ट करते रहो, वीडियो देखो, लाइक करो, लाइक एम जितना करना है उतना कर दो और शेयर करो जितना होता है, बाकी इसी तरीके का वीडियो मैं बनाता रहूंगा। सजेशन जरूर करना कमेंट में। आ गई रश्मिता आ गई, मैं ये कट कर रहा हूँ, वीडियो एंड तक देखो। कभी आएगी मेरी बहन? यार कब से गई है? कुछ खाने को लिया है क्या? यही तो तेरी कुछ आदत है ना, मेरे को अच्छी नहीं लगती। तेरे को मालूम है जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ तो ले लेना चाहिए ना। गाड़ी में लू तो क्या हुआ, गाड़ी में रखने का कुछ ना कुछ रखने का। गाड़ी ना लाके? वो हमेशा रखती थी कुछ ना कुछ। कौन रखती थी? मेरी फ्रेंड। और कौन? वो हमेशा गाड़ी में कुछ ना कुछ लेके रखती, अपने बैग में रखती थी। कौन सी फ्रेंड? पवन वही नहीं यार। तेरे एक बात बोलो, मेरे को याद आती है उसकी। किसकी? बस बता दिया, मेरे को याद आती है बस। आज अचानक से आपको याद आने लग गया? हाँ याद आती है, बस आती है याद। अचानक से आपको याद आने लग गया? मैं सिर्फ तेरे साथ रहता हूँ, मेरा पूरा माइंड उसके पास है। आपने आज तक तो मेरे को कभी फील नहीं कराया है कि आप मतलब किसी को याद करते हो? नहीं, मेरे को आता है। अब हर बार तेरे को बोलूं क्या? कभी आपके फेस से मेरे को पता ही नहीं चला कि आपको उसकी याद आती है। तो मैं तेरे को बोलूं क्या कि मेरे को उसकी याद आ रही है, ताकि तू झगड़ा करे? तो नहीं बोल सकता, बता देते ना सब चीजें। याद आती तो जाओ उसके पास। चाहते क्या हो आप? चाहता सिर्फ यही हूँ कि जो चीजें वो करती थी वो सब तू कर, तो मुझे उसकी याद नहीं आएगी। आपको समझ रहे पवन आप क्या बोल रहे हो? वो गाड़ी में जब भी जाती थी तुझे पता है कुछ ना कुछ रखती थी, कहीं रस्ते पे उतर। कंपेयर कर रहे हो आप? कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट तेरे को तो समझना चाहिए ना यार। तू कब तक मैं तेरे को समझाता रहूंगा ये कर वो कर, तेरे को कुछ चीजें खुद से भी तो समझनी चाहिए ना। क्या समझाया आपने मुझे आज तक? मैं हर बार हर चीजें नहीं बता पाऊंगा कि भाई मेरे को जरूरत लगती है मेरे को। तो मैं कभी अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूं तो बाहर से कुछ लेके आ जा, कुछ तेरे साथ रख, कुछ तेरे पास रख। वही बोलते ना लोग कि हर कमियां पूरी नहीं कर सकते, भाई क्या कर सकते हैं, अभी लाइफ में कुछ रखा ही नहीं है। मैं हूं तेरे साथ, मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं मेंटली नहीं हूं भाई। मेरा दिमाग कहीं और है। फिजिकल अपीयरेंस है मेरा कि हाँ मैं तेरे साथ हूं, जा रहा हूं, घूम रहा हूं, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और ही चलता है। मुझे नहीं, मैं बहुत दिन से तेरे को बताने वाला था लेकिन आज बता दिया मैंने। हर समय नहीं मैं तेरे को झेल सकता भाई, तेरे को नहीं झेल सकता हर समय। कभी हम दोनों का झगड़ा होता था ऐसा मुंह भी नहीं बनाती थी वो मुझको सॉरी बोलती थी और खत्म करती थी। तेरे जैसा ऐसा मुंह बना के नहीं बैठती थी, मुंह बना के बैठी है। भवन आप मुझे कंपेयर कर रहे हो उससे? कंपेयर नहीं कर रहा हूँ यार, कंपेयर उसको किया जाता है जो कंपेयर लायक हो। तू तो वो भी नहीं है, तू तो कंपेयरिंग के भी लायक नहीं है। क्या ख्याल रखा है तूने आज तक मेरा? क्या ख्याल रखा है बताना, क्या ख्याल रखा है तूने? कुछ भी नहीं, सिर्फ जब मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये खाना है, मेरे को वो खाना है। कभी मेरे बारे में सोचा है क्या तूने कि तुमको क्या चाहिए, तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं? हमेशा मैं क्या सिर्फ तेरे लिए ही हूं क्या? तू भी तो थोड़ा मेरे लिए कुछ कर किया करना, तो मुझको उसकी याद नहीं आएगी क्या?
हमेशा का नाटक है यार, हर बार बोलता हूँ समझाता हूँ भाई, मेरा मुंह मत खुला मत खुला, झगड़ा करना रहता है, ये करना रहता है, वो करना रहता है, हर समय नहीं जमेगा ना। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो पवन। तो क्या करूँ नहीं बोलूँ तो, क्या करूँ नहीं करूँ तो, मेरे को याद आती है, मेरे को याद आती है भाई, क्या किया तुम्हारे साथ, मेरे को मेरे एक्स की याद आती है। अरे तुमको पहले नहीं समझा क्या, मुझे मेरे एक्स की याद आती है बस। तो तुमको पहले नहीं समझा क्या, अभी आके मुझको क्या मालूम कि अभी ये स्टेज पे बोलने का, मुझको क्या मालूम कि जबरदस्ती तुम मेरे पीछे पड़े थे ना, मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी क्या? अरे लेकिन मेरे को लगा तू उसकी कमी मुझे फील नहीं होने देगी, लेकिन लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं, कब भी ऐसा नहीं हुआ। तुमको समझ रहा है, तुम क्या बात कर रहे हो, तुमको समझ रहा है सब क्या? समझ रहा है भाई, मेरे को सब समझ रहा है, मेरे को मत सिखा क्या समझना चाहिए क्या नहीं समझना चाहिए, तेरे को समझना चाहिए कि एक लड़के के लिए क्या क्या करना चाहिए। मेरे से जितना हुआ ना मैंने बहुत किया आपके लिए, बहुत किया क्या किया मैंने एक एक चीज बता। आपके पास अभी भी टाइम है, आपके पास अभी भी टाइम है, और मैं नहीं आपके पीछे पड़ने वाली हूँ। आपको अभी जाके उसकी याद आती है, आपको शर्म नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, आपको दिख रहा है कि आप क्या बोल रहे हो? मेरे को सब दिख रहा है भाई, मेरे को सब समझ में आ रहा है, तेरे बोलने से नहीं होगा। मैं तेरे पीछे पड़ा था इसके लिए पड़ा था ताकि मैं उसे भूल पाऊ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है ना, तू उसको भुलाने में मेरी हेल्प ही नहीं कर रही है, तू तेरी जगह मेरे दिल में बना ही नहीं पा रही है, क्या करूं मैं क्या करूं, मुझे भी तो प्यार की जरूरत है ना, हर समय मैं क्या तेरी जरूरत की चीजें पूरी करती रहूंगा क्या, नहीं जमता है भाई, बोलना था मैंने बोल दिया, अब देख तेरे को जैसा लगता है वैसा कर तू, मेरे को याद आती है बस, मैंने तेरे को एक बात बता दिया, बस मेरे को उसकी याद आती है बस, मैंने तेरे को इतनी बात बता दी। देखिए देख लाइट का बिल वगैरह सब भरती थी वो, ये देख लाइट का बिल, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं रहता था, लाइट का बिल मेरे को बोलती थी कि तुमको याद नहीं रहेगा मैं भर देती हूँ, पूरा लाइट का बिल वगैरह सब भरती थी, कभी मेरे को हमेशा रिमाइंड करवाती थी कि लाइट का बिल हो गया रहेगा, लाइट का बिल भर दो, मोबाइल रिचार्ज खत्म हो गया रिचार्ज कर दो, पर तू तेरे को कुछ चीज याद नहीं रहता, मेरे को तेरे को याद दिलाना रहता है, रोके कुछ नहीं होने वाला है, रोने से कुछ नहीं हासिल होता है, कुछ ऐसा कुछ कर कि जिससे मेरे दिल में तेरे लिए जगह बने, ऐसा कुछ कर। घर पे बोलूंगी मुझे आपके साथ नहीं रहना। घर पे जाके बोलेगी? हाँ। घर पे बोलने से क्या होगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा लड़का, मुझे नहीं चाहिए। तेरे घर वाले शादी किए थे मेरे से? मुझे नहीं चाहिए ऐसा लड़का, मैं बोल दूंगी। घर वाले शादी किए थे? अभी भी याद कर दो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा लड़का। याद आती है तो आती है बस। मम्मी को बोल, सॉरी, आई लव यू बाबू, आई लव यू। देख कैमरा लगाया, प्रैंक कर रहा था, रश्मिता पे प्रैंक हो गया, सॉरी बाबू, बेचारी रोने लग गई, मम्मी को फोन लग जाता तो रिश्ता खत्म, सॉरी। ये देख कैमरा लगाया, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, आई लव यू। और देख कैमरा लगाया, उसकी याद आती है। अरे किसकी, कौन है तेरे अलावा मेरे पास, किसकी याद आएगी मेरे को, कुछ भी, कोई नहीं है भाई मेरा, मैं तो प्रैंक कर रहा था, इसको सिर्फ दिखा रहा था कि मेरे को एक्स की याद आती है, मैं वो जोन में चला जाता हूँ। वो देख कैमरा देख, ये देख रिश्ता तोड़ने जा रही थी भाई, इधर बता देती मम्मी को, क्या बताती, बता देती तू। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ ऐसा कोई सीन नहीं है, बस हाँ मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, वो चीज़ें इसको दे उसको, और ये बहुत करती है मेरे लिए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत प्यार है, बस मुझे एक प्रैंक करना था इसके ऊपर, चेक करना था कि उससे कितना प्यार करती है, सॉरी बाबू प्रैंक करना था, सॉरी। अभी हंस दे, चल चल अभी हंस दे, वो देख कैमरा लगा, कैमरे पे तो देख तुझसे प्यार करते हो, मैं तुझसे प्यार करता हूँ बाबू, सॉरी। कितना प्यार करते हो? बहुत
बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं रश्मिता से प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे सिर्फ एक प्रैंक करना था जो मैंने प्रैंक किया, और ये जो प्रैंक था वो भी आप लोगों का सजेशन था जो कि आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे किया था। तो इसी तरह आप लोग सजेस्ट करते रहो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। बाकी मैं अभी इससे थोड़ा मनाता हूँ इसको, बाकी तो सब सही है। आई लव यू बाबू, चलो बाय बाय, सी यू, लव यू। मम्मी को क्या, तेरी मम्मी को भी मालूम है प्रैंक करता हूँ। कभी सचमुच का मम्मी को फोन लगाए तो उसकी मम्मी को ये लगेगा कि प्रैंक ही कर रहा था। चलो बाय बाय, सी यू, लव यू, टाटा, आई लव यू।